प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोसी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मेरा हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में हमारा नमस्कार। आज का मनन के लिए हम लोग पत्रस का पहला पत्री एक अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। उधर ऐसे लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि हमें एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर रखा है, और इस 5 पद में हम लोग देख सकता है, और वो मीरास पाने तक परमेश्वर अपना बड़ा सामर्थ्य हमें सुरक्षित रखता है। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उस समय हमारा उद्धार हुआ है, और इस दुनिया में रहने का समय में हमारा जीवन में कमी घटी और पाप आ जाता है। ये सब का बावजूद भी परमेश्वर अपना सामर्थ्य हमें उस उद्धार में हमें बचाए रखता है। ऐसा बहुत लोग सिखाता है कि विश्वास में उद्धार पाने के बाद में अगर हमारा जीवन में पाप होता है, क्या है, हमारा उद्धार नष्ट होगा बोलकर। लेकिन परमेश्वर का वचन हम लोग सीखने से हमें पता चलता है कि हमारा उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें परमेश्वर हमें उद्धार देता है, और इसलिए परमेश्वर उस उद्धार को सुरक्षित रखता है। यूहन्ना रसूल समाचार 10 अध्याय उसका 28 पद में हमें सब पढ़ता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। अनंत जीवन हमें प्रभु दिया है, और इसलिए प्रभु बोलता है वे कभी नष्ट ना होगा और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। इसलिए हम प्रभु के हाथ में हमेशा के लिए वो हम लोग सुरक्षित है, और कोई प्रकार हमारा उद्धार नष्ट होने वाला नहीं है। ये बात सच है, उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन में जब पाप होता है उसका नतीजा, उसका दंड हम भोगना पड़ता है, लेकिन हमारा उद्धार कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी रक्षा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर करता है। और इधर पहले हम लोग जो पढ़ा था, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो रक्षा के बारे में वो हम लोग देखने से वही शब्द हम लोग देख सकता है कुरिन्थियों का 2 पत्री 11:32 पद में। हम लोग उधर वो भी थोड़ा पढ़ेंगे। उधर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हकीम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा है। इधर जो पहरा बैठा रखा है बोलकर जो लिखा है, वही शब्द इधर पत्रस का पहला पत्री 1:5 में भी हम लोग देख सकते हैं। मतलब परमेश्वर हमें रक्षा करने के लिए परमेश्वर अपना पूरा सामर्थ्य परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और हम इधर उद्धार के बारे में हम लोग पढ़ता है, उधर इधर हम लोग ऐसा पढ़ सकता है, उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इधर जो उद्धार हम लोग देख सकते हैं, वो उद्धार आने वाला उद्धार है। उद्धार का 3 स्तर है, हम लोग बाइबल पढ़ने से हमें पता चलता है उद्धार का 3 स्तर है, और उसमें पहला है जो अतीत काल में भूतकाल में हुआ, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास किया, जब हम प्रभु को ग्रहण किया, उस समय पाप की दंड से हमारा उद्धार हुआ।
और वो है हमारा धर्मीकरण, जस्टिफिकेशन, उसके बारे में हम लोग देख सकता है। हमारा आत्मा उद्धार पाया और वो उद्धार है पाप की दंड से हमारा उद्धार हुआ है। और दूसरा स्तर है हम लोग पाप की शक्ति से उद्धार पा रहा है, वो है पवित्रीकरण अर्थात सैंक्टिफिकेशन। और ये हमारा प्राण की उद्धार है, जो अभी उद्धार के बाद में जब हम इस दुनिया में है उस समय ये जो हो रहा है उद्धार पा रहा है। और उद्धार की तीसरा जो स्तर है हम लोग उद्धार पाप की उपस्थिति से भी हम लोग उद्धार पाएगा, ये भविष्य काल में होने वाला घटना, जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए बादलों में आएगा उस समय पाप की उपस्थिति से भी हम लोग उद्धार पाएगा। ये हमारा शरीर का उद्धार है और वो है हमारा महिमागमन मतलब ग्लोरिफिकेशन। इसलिए पत्रस जब उद्धार के बारे में जब बोलता है तब पत्रस ये तीसरा स्तर को ज़्यादा जोर देता है, आने वाला जो उद्धार भविष्य में हमें मिलने वाला हमारा जो महिमागमन और उसके बारे में पत्रस ज़्यादा जोर देता है। पौलुस का पत्रिया पढ़ने से हमें पता चलता है कि पौलुस इसका पहला स्तर को ज़्यादा जोर दिया हुआ है। पौलुस जो तीनों स्तर के बारे में बोला है लेकिन ज़्यादा जो जोर है वो पहला स्तर को दिया, मतलब हमारा जो अतीत काल में जो हुआ है उस उद्धार के बारे में, हम उद्धार की दंड से पाप की दंड से उद्धार पाए। और याकूब का पत्री पढ़ने से याकूब उसका दूसरा स्तर को ज़्यादा जोर दिया है, मतलब पवित्रीकरण जो अभी जो हो रहा है पाप की शक्ति से हम लोग उद्धार पा रहा है उसको ज़्यादा जोर दिया है। और पत्रस का दोनों पत्रियां हमें पढ़ने से हम देख सकता है पत्रस इसका तीसरा स्तर को ज़्यादा जोर देकर पत्रस बताया हुआ है, मतलब हम एक दिन हम पाप की उपस्थिति से भी हम लोग उद्धार पाएगा, हम महिमा पाएगा और हमारा महिमागमन होगा और प्रभु के साथ हम लोग रहेंगे। इसलिए हमारा आत्मा का उद्धार हम लोग पाया और हमारा प्राण का उद्धार अभी हम लोग पा रहा है और एक दिन हमारा शरीर का भी उद्धार हम लोग पाएंगे। इसलिए तसलोनिकियों का पहला पत्री 5 अध्याय उसका 23 पद में हम पढ़ता है, शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन में हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा देह और ये सब उद्धार हो पाकर प्रभु के सन्नू में हम लोग खड़ा होगा। इसलिए उस समय तक हमें जो वायदे किए हुए मीरास हमें परमेश्वर देने तक क्या करता है, परमेश्वर अपना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर हमारा रक्षा करता है। इसलिए प्रभु के हाथ में हम पूरा रीति से सुरक्षित है, प्रभु का इच्छा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है और कोई भी प्रभु के हाथ से हमें चीन नहीं ले सकता है। इसलिए हम उस प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, परमेश्वर हम सबको सहायता करे। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।